तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है? जूल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, जूल सेकंड किसका यूनिट है हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डीएल क्या आएगा, तो डीएल है एंगुलर मोमेंटम का चेंज, तो ये क्या आएगा, डीएल इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डीटी। अब टॉर्क क्या होता है भाई, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या रेडियस बोल लो, है ना। तो टॉर्क क्या होता है, रेडियस इनटू फोर्स होता है इनटू डीटी। रेडियस कितना होता है, तो रेडियस होता है मीटर में, फोर्स होता है न्यूटन में और टाइम होता है सेकंड में, ठीक है। अब यहां पर न्यूटन मीटर क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जूल, जूल किसका यूनिट है, तो जूल है वर्क का यूनिट, ठीक है। और ये क्या होता है, जूल वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी क्या हो गया न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा बेटा जूल, और ये हो गया सेकंड, न्यूटन मीटर क्या हो गया जूल, और ये सेकंड है। तो जूल सेकंड किसका यूनिट रहेगा भाई, तो वो रहेगा एंगुलर मोमेंटम का यूनिट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम को क्लिक कर दो और आगे बढ़ जाओ।